नमस्कार दोस्तों, जैसा कि किसानों ने दिल्ली कूच को लेकर सरकार को 13 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था, ऐसे में दिन मंगलवार 13 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं। बता दें कि पंजाब के किसानों ने ऐलान किया है कि तकरीबन 10,000 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे, जिसके उपरांत किसानों ने इसके लिए शंभू बॉर्डर, डबवाली और खनौरी बॉर्डर को चुना है। ऐसे में अब आपको बता दें कि किसानों के इस उपद्रव को देखते हुए प्रशासनिक विभाग भी अपनी ओर से पूरी तरह तत्पर हो चुका है और इसी कड़ी में हरियाणा में पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं का धरपकड़ शुरू किया है। बता दें कि किसानों के इस उपद्रव पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल किसान नेताओं को उनके घर में नजरबंद करने के लिए दबिश दे रही है। वहीं अब अगर अन्य क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से किए गए तैयारी पर गौर करें तो पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए अम्बाला में धारा 144 लागू की गई है, जबकि पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कटीली तारें लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया है। बता दें कि प्रशासन की तरफ से ब्रिज के अंदर खुदाई की जा रही है ताकि किसान ट्रैक्टरों से इस ब्रिज के जरिए आगे न निकल सके। वहीं पंजाब के पटियाला से अंबाला आने जाने वाली रोड का रूट फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। दरअसल पंजाब से चंडीगढ़ होते हुए किसान पंचकूला के रास्ते भी दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे में सोनीपत, झज्जर, पंचकूला के अलावा कैथल में भी धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए करीब 150 नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की ओर से जगबी सिटी सेंटर के सामने चंडीगढ़ की तरफ से रास्ते को डाइवर्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत लोगों को पंजाब जाने से बचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि आने वाले समय में अगर स्थिति बिगड़ी तो अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152, अंबाला हिसार नेशनल हाईवे 65, पानीपत जलंधर नेशनल हाईवे 44 और अंबाला कालाम नेशनल हाईवे 344 को भी बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि किसानों के प्रति अपनी तैयारी के तौर पर पुलिस बल ने अपने बीड़े में मल्टी बैरल लॉन्चर गन से लैस लाई गाड़ियां शामिल की, जिनमें से किसान आंदोलन को रोकने के लिए फिलहाल 4 गाड़ियां तैनात रहेंगी। वही जानकारी के मुताबिक प्रत्येक गाड़ी पर लगे गन से करीब आधा दर्जन आंसू गैस के गोले छोड़े जा सकते हैं। आपको बता दें कि इन आधुनिक गाड़ियों में गन के अलावा पीछे कैबिन भी मौजूद है ताकि जरूरत के समय अधिक जवानों को बैठाकर मोर्चे में आगे तक ले जाया जा सके। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंबाला में जवानों की चारों कंपनियां यानी अल्फा, ब्रावो, चाली और डेल्टा तैनात की गई है, जिनमें कुल 428 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों से अर्ध सैनिकों बलों की 12 टुकड़ियां बुलाई गई हैं, जिनमें 850 जवान उपस्थित होंगे। बता दें कि अंबाला पुलिस को करीब पिछले 25 दिनों से लगातार मॉडल राइफलों को चलाने और रखरखाव करने के बारे में विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। और बता दें कि इन मॉडल राइफलों की श्रेणी में JVBC, सिग राइफल, असॉल्ट राइफल, AK-47 और 12 बोर पंप एक्शन गन शामिल है।